गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़। ठीक है, हम पहले इससे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ करवा चुके हैं इन्वायरमेंट के। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक करो और जाके देखो कि हमारी जो भी इन्वायरमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है। अब हमारी चलेगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी और भी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं और कुछ ख़त्म भी हो चुकी हैं, जैसे इकोनॉमी वाली सीरीज़ हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली ख़त्म हो गई है। उसके बाद ज्योग्राफी भी ख़त्म हो गई है और साइंस एंड टेक भी ख़त्म हो गया है। अभी हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन बचा है, इन्वायरमेंट भी अभी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज़ के बाद तो चलिए आज का पहला लेक्चर और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कंसिडर द फॉलोइंग मेथड्स: इम्प्रूविंग ड्रेनेज, लीचिंग, इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन, अप्लाइंग केमिकल ट्रीटमेंट लाइक एडिंग जिप्सम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिवन अबव कैन बी अप्लाइड टू करेक्ट द सोल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। कौन से मेथड्स जो हैं सोल्ट अफेक्टेड जो सॉइल हैं उनको ठीक करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इम्प्रूविंग ड्रेनेज। अगर हम ड्रेनेज को सही कर देंगे तो होगा, बिल्कुल। अगर ड्रेनेज को ठीक कर देते हैं तो बिल्कुल होगा। सेकेंड है लीचिंग। येस, लीचिंग से भी होगा, अगर लीचिंग भी से भी मतलब वो होगा अगर हम लीचिंग को ठीक कर देते हैं। थर्ड है इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन। जितना देखो अगर यहाँ पे पानी है, जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही सोल्ट नीचे बच जाएगा। और हमें क्या करना है, सोल्ट को ही तो ठीक करना है, सोल्ट को ही तो हटाना है, तो इसका मतलब इवेपोरेशन तो नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ है अप्लाइंग जिप्सम। मेनली क्या होता था, जिप्सम ही ऐड किया जाता है। आपने ज्योग्राफी की अगर सीरीज़ देखी है तो उसमें भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आया था कि अगर कहीं पे सोल्ट अफेक्टेड सॉइल है तो वहाँ पे क्या ऐड किया जाता है, उस सैलिनिटी को कम करने के लिए जिप्सम ऐड किया जाता है। तो यस, जिप्सम तो ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही ऐड किए जाएंगे। ड्रेनेज भी मतलब ठीक किया जाएगा, लीचिंग ठीक की जाएगी और जिप्सम ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, क्योंकि थर्ड नहीं है इसमें, क्योंकि इवेपोरेशन क्या करेंगे हम, कम करेंगे वहाँ की। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या बोलते हैं, अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है, थ्रेट के बारे में। फर्स्ट है करंटली द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन विच इज़ फास्टर देन द प्रीवियस 5 एपिसोड। अभी जो है वो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन चल रहा है जो पहले 5 एपिसोड से ज़्यादा फास्ट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन चल रहा है लास्ट 20 ईयर्स में। अगर मैं केवल लास्ट 20 ईयर्स की बात करूं, लास्ट 20 ईयर्स में हमारी 27 स्पीसीज डिसअपियर हो गई हैं। 27 जो स्पीसीज हैं वो डिसअपियर हो गई हैं। ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स में। तो जो करंटली सिक्स मास एक्सटेंशन चल रहा है। सेकंड है स्टीलर्स काउ एंड क्वागा आर नाउ एक्सटेंट। ये बिल्कुल, ये अभी मतलब इसी सिक्स मास एक्सटेंशन में ख़त्म हुए हैं स्टीलर सीकाउ और क्वागा। स्टीलर सीकाउ जो थी वो रशिया से थी। स्टीलर शिकाऊ कहाँ से थी, रशिया से थी। और क्वागा कहाँ से था, क्वागा था अफ्रीका से। ठीक है, और भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, जैसे कि डोडो। डोडो कहाँ से हुई है, मॉरिशस से। डोडो हुई है मॉरिशस से, क्वागा हमने बता दिया अफ्रीका से। एक है थाइलासाइन, एक थी थाइलासाइन, ये कहाँ से हुई थी, ऑस्ट्रेलिया से। ये कहाँ से थी, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद तीन सब स्पीसीज टाइगर की, तीन सब स्पीसीज जो थी टाइगर की कौन कौन सी, बाली, जावन और कैस्पियन। ये तीन स्पीसीज, ये सब स्पीसीज टाइगर की, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये जितनी सारी स्पीसीज है तीन, तो ये दो इसमें बता दी गई हैं। ये सारी सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन में ख़त्म हुई हैं और ये ज़्यादा फास्ट है प्रीवियस जो 5 एक्सटिंक्शंस थे उनसे। ठीक है, और ये मेनली जो है एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन है, मतलब एंथ्रोपोसिन मतलब ह्यूमन कॉज्ड एक्सटिंक्शन है ये मैक्सिमम। ठीक है, इसको एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं, एंथ्रोपोसिन एक्सटेंशन, क्योंकि मेनली क्या ये ह्यूमन लेड है, ह्यूमन कॉज्ड है। ठीक है, तो सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। इंडिया डब्ल्यू आर आई एस, इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है इट प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। बिल्कुल, इंडिया के सरफेस वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी डेटा है इसके पास और ग्राउंड वाटर के बारे में भी।
सेकेंड है बोथ सेंट्रल स्टेट एंड वाटर सेंट्रल एंड स्टेट वाटर एजेंसी आर अलाउड टू एंटर एंड मैनेज डेटा इन डी डब्ल्यू आर आईज. बिल्कुल सेंटर और स्टेट एजेंसी दोनों ही को अलाउड है कि वो डेटा को मैनेज कर सकती हैं. थर्ड है द डेटा इन डी डब्ल्यू आर आई एस सिस्टम इज ओपन टू पब्लिक. ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि इसका जो डेटा है वो पब्लिक के लिए ओपन है. तो इसकी क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, इसके जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक नया वर्जन लॉन्च किया है इंडिया डब्ल्यू आर आई एस का. ठीक है, ठीक है, मतलब एक देखो अभी मैं इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखा देती हूँ कि सबसे पहले तो अभी जो ये लॉन्च हुआ है ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च हुआ है. 2019 में ये लॉन्च हुआ है इंडिया डब्ल्यू आर आई एस और ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च हुआ है. ठीक है, इसके नए फीचर हैं, नए फीचर्स के साथ ही आया है. ठीक है, और जो पहले था मतलब स्टार्टिंग में जब ये आया तो ये किस किस से अंडरटेकन था, सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ये सारों ने मिलकर 2009 में इसको लेके आए थे. ठीक है, अभी क्या आया, इसका एक न्यू वर्जन आया है. अभी क्या आया, इसका न्यू वर्जन विद न्यू फंक्शंस. अभी इसमें क्या है कि मेनली सिंगल विंडो सॉल्यूशन है ये, मतलब इसमें हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा. ये एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है जिसमें वाटर की हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा, वो कहाँ कैसे स्टोरेज है, कैसे ग्राउंड वाटर कितना है, सरफेस वाटर कितना है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा. मेन इन्फॉर्मेशन पांच ग्रुप्स में दी जाएगी, मेनली जो इन्फॉर्मेशन है वो पांच ग्रुप्स में दी जाएगी. कौन कौन से ग्रुप्स में, एक तो वाटर शेड एटलस बनाया जाएगा. क्या, वाटर शेड एटलस. ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स कि कौन कौन उसको मैनेज कर रहा है. उसके बाद वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट. ठीक है, उसके बाद थीमेटिक लेयर्स और उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंटल डाटा. इन पांच ग्रुप्स में मेनली डेटा, सॉरी. ठीक है, तो इन पांच ग्रुप्स में मेनली इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा. ठीक है, और इसी के अंडर मतलब इंडिया डब्ल्यू आर आई एस के अंडर एक और मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी क्या है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है ये भी. और इस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही एक और वो एस्टेब्लिश किया जाएगा डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या होगा, नेशनल वाटर इन्फॉर्मेशन सेंटर. नेशनल वाटर इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये मेनली इंडिया डब्ल्यू आर आई एस के डेटा को मेंटेन भी करेगा और अपडेट भी करेगा. ठीक है, ये क्या करेगा, नेशनल वाटर इन्फॉर्मेशन सेंटर, ठीक, इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ये क्या करेगा, इसके डेटा को डेटा मैनेज भी करेगा और अपडेट भी करेगा. डेटा को क्या करेगा, ये मैनेज भी करेगा और अपडेट भी करेगा. ठीक है, इंडिया डब्ल्यू आर आई एस के डेटा को. ठीक है, उसके बाद ये कौन सी स्कीम है, जो ये इंडिया डब्ल्यू आर आई एस वाली जो ये स्कीम है ये कौन सी है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. कौन सी है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केवल सेंटर और सेंटर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, अब इंडिया में ऐसी मतलब स्कीम लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. ठीक है, अभी इंडिया में हम ऐसा इंडिया वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम लाए हुए क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है. और एरिया की बात करें तो 2.5% वर्ल्ड का एरिया इंडिया का एरिया है, मतलब वर्ल्ड लैंड एरिया का 2.4% इंडिया में, और ओनली 4% जो है वर्ल्ड के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वाटर रिसोर्स इंडिया में. तो उनको ही मतलब वो करने के लिए कि कैसा कैसा इंडिया में डेटा है उसको पब्लिक करने के लिए, उसको ज़्यादा ही वो करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए बनाया गया इंडिया डब्ल्यू आर आई एस. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है डी. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. द टर्म स्टोन लिप्रोसी इज रिलेटेड टू, स्टोन लिप्रोसी का मतलब क्या होता है, स्टोन लिप्रोसी का मतलब देखो, स्टोन लिप्रोसी का दूसरा नाम होता है मार्बल लिप्रोसी, मार्बल लिप्रोसी. ठीक है, तो स्टोन लिप्रोसी का मतलब होता है मार्बल लिप्रोसी, मतलब मार्बल का खराब हो जाना एसिड लगने के कारण. ठीक है, तो क्या आ गया इसका मतलब, डैमेज जो रॉक्स को हो जाता है, मार्बल को हो जाता है एसिड रेन से, उसको बोलते हैं स्टोन लिप्रोसी. ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. ठीक है, स्टोन लिप्रोसी क्या होती है, रॉक्स या मार्बल को एसिड रेन के कारण जो भी डैमेज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोन लिप्रोसी, या फिर इसको मार्बल लिप्रोसी भी बोलते हैं. फिफ्थ है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया दियोराइज कावूज एंड देवारा काडूज जी क्या है. तो देखो कुछ एरियाज में क्या होता है ना, सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं. सेक्रेड ग्रूव्स मीन्स किसी फॉरेस्ट के एरिया को बिलीफ के सिस्टम पे, मतलब ट्रेडिशनल बिलीफ्स के सिस्टम पे, कि मान लो इस पेड़ को काटोगे तो आपको पाप लगेगा या कुछ भी लगेगा, उसके हिसाब से फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाता है, उसको बोला जाता है सेक्रेड ग्रूव्स. और हर एक एरिया में उनके नाम अलग अलग हैं. ठीक है, हर एक एरिया में उनके नाम अलग अलग हैं. जैसे अगर इसमें बोल रखा है दियोआरिस, दियोआरिस को बोलते हैं महाराष्ट्र में, कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में दियोआरिस बोला जाता है. उसके बाद है हमारा ये कावूस, कावूस जो बोला जाता है मेनली केरला में बोला जाता है, कहाँ पे बोला जाता है, मेनली केरला में बोला जाता है. और ये देवारा कार्डूस कहाँ पे बोला जाता है, ये बोला जाता है कर्नाटका में,
ये बोला जाता है कर्नाटका में, ठीक है, ये बोला जाता है कर्नाटका में। और सबसे बड़ा जो ग्रूव है केरला में वो इरनाकुलम में है। कहाँ पे है सबसे, केरला में सबसे बड़ा ग्रूव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने कल के करंट अफेयर्स देखे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट और कहाँ पे आया था, इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट आया था कि जहाँ पे वेम्बनाड लेक भी इस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वेम्बनाड लेक तीन डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता था, एक उसमें से इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट भी था, ठीक है। और असम में इसको क्या बोलते हैं, असम में इसको थान बोलते हैं, असम में इसको क्या बोलते हैं, थान। और हिमाचल प्रदेश में एक मतलब जगह का नाम है शिपकिन, शिपिन, सॉरी सिपकिन नहीं, सिपिन, सिपिन, ये सेक्रेड गुरुज हैं हिमाचल के, ठीक है। यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं जो कि मेनली प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हैं सारे सेक्रेड गुरुज, देवरीज, कावूस एंड दिवारा काडू, सारे क्या हैं, ये सेक्रेड ग्रूव्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। दे आर फंक्शनल इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ नेचर, फंक्शनल इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ नेचर विच शो कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। और नॉन लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों का कंजक्शन है, ऐसा कौन सा होता है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग वाला सिस्टम कौन सा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को ही बोलते हैं, इकोलॉजिकल नहीं के तो आपको पता ही होगा, किसी भी स्पीसीज का फंक्शनल और हैबिटेट का जो भी वो होता है, जगह होती है, उसको इकोलॉजिकल नहीं के बोलते हैं। इकोक्लाइन होता है जहाँ पे दो इकोसिस्टम के बीच में कोई डेफिनेट लाइन नहीं बनी होती, मतलब थोड़ा सा जॉइंटली सा ही होता है, उसको बोलते हैं इकोक्लाइन। और इकोटोन आपको पता है, ये दो इकोसिस्टम के बीच का एरिया, जैसे कि ग्रास लैंड हो गया, ग्रास लैंड किसके, फॉरेस्ट और डेजर्ट इकोसिस्टम के बीच का है। उसके बाद कौन से हो गए, ग्रास लैंड हो गया और मैनग्रूव हो गए, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इकोटोन में आते हैं, ठीक है। तो इकोक्लाइन मतलब जिसमें कोई डेफ मतलब कोई जो ग्रेडेशन स्ट्रक्चर है एक इकोसिस्टम से अनदर इकोसिस्टम में, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती इसकी, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है, इकोसिस्टम की। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बारे में बताना है, कम से कम नहीं तो 7-8 बार ये क्वेश्चन हो चुका होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट क्या बताना करेक्ट है। फर्स्ट है, द स्कीम गिव इंसेंटिव ऑफ 4-6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। बिल्कुल ये तो देती है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट और सही पूछी है, तो आंसर आ गया ए ही, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसका 5 साल के लिए चलाई गई है, और बेस ईयर कितना है इसका, 2019-20 इसका बेस ईयर है। सेकेंड है, अंडर दिस स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स आर गिवन इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज ऑन बैंक लोन्स, ऐसा नहीं है। दिस स्कीम प्रोवाइड ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, देखो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट एक जगह यूज़ होता है, याद रखना, ये होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम में, ठीक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम में ये यूज़ होता है, और इसकी जगह, इस स्कीम की जगह अब इंडिया लेके आया है RODTEMP, रिडम्पशन ऑफ ड्यूटी टैक्स एंड समथिंग, ठीक है। ये इंडिया अभी ये वाली स्कीम लेके आया है, ये वाला टैक्स इसको हटा के, क्योंकि WTO में इसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट क्या हो गया था, कंप्लेंट हो गई थी, ठीक है। तो इसके ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट वहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। और 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा, ये भी नहीं है, ये किसी दूसरे स्कीम का है। तो आंसर आ गया ए, ठीक है, हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में बताना है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है, देखो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है टोटल वेट, या टोटल ड्राई वेट भी बोल सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ वेट एनर्जी किसी भी एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स की होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको बोलते हैं क्या, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। इसमें सबसे पहले बोल रखा है इट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि केवल ओनली फूड ग्रेन्स अवेलेबल, फूड ग्रेन्स प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे उनका ड्राइड मास, ठीक है, ड्राइड मास, वेट, अमाउंट जितना भी है उन सबको मिला के बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। तो केवल और केवल वही नहीं होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, इट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं। सेकंड है, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये मास में वो किया जाता है, किसी भी इन्वायरमेंट में ड्राइड बायोमास में ये वो कैलकुलेट किया जाता है। तो आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एनवी स्टेट्स, एनवी स्टेट मतलब इन्वायरमेंट के बारे में जो स्टैटिक्स हैं, इंडिया वाली जो रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, कौन निकालता है, मतलब ये क्या करती है, मेनली रेज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस रेज करती है, तो इसको, और ये एनुअली रिलीज़ की जाती है किसके द्वारा, तो कौन निकालता है इसको, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसको निकालता है, ठीक है। अभी देखो 2020 में अभी इसकी रिपोर्ट आई है, 2020 में उसके कुछ की टेक अवेज क्या है, अभी रिसेंटली आई है, तो सबसे पहले एवरेज नंबर जो हीट डेज है ना, एवरेज नंबर ऑफ हीट डेज वो इंक्रीज़ हो गए हैं, एवरेज नंबर ऑफ हीट डेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं 82.6%, ठीक है। दूसरा, पार्टिकुलेट जो मैटर का साइज है वो भी मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली में है, पार्टिकुलेट मैटर का जो साइज है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर, दिल्ली में है, अगर मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए उनमें से।
उसके बाद बताया कि सबसे ज़्यादा जो स्लम पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा वो है आंध्रा में, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद है एमपी में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। स्लम पॉपुलेशन अगर लिख दे मुंबई में नहीं, सबसे ज़्यादा है आंध्रा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर एमपी में, ये एनएसओ ने बताया है। और फोर्थ इन्होंने बताया है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो रूरल एरियाज में है वो ट्यूबवेल और हैंडपम्प है। क्या है? ट्यूबवेल और हैंडपम्प है मेनली सोर्स जो है ड्रिंकिंग वाटर के, कहाँ पे? रूरल एरियाज में, ठीक है, रूरल एरियाज में। तो ये चार टेक अवेज थे मेनली इस रिपोर्ट में जो बताए गए थे, ठीक है। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? कंसिडर द फॉलोइंग एंटिटीज, विच ऑफ द एंटिटीज गिवन अबो कैन बी बायोलॉजिकल कंटामिनेंट, कौन सी जो है बायोलॉजिकल कंटामिनेंट हो सकते हैं, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एज ए कंटामिनेंट की तरह बिहेव करता है। बैक्टीरिया, फंजाई, पोलेंस, माइट, सारे कर सकते हैं। उसके अलावा मोल्ड्स मान लो, उसके अलावा हाउस होल्ड पेट्स की मतलब सलाइवा वगैरह हो जाते हैं, एनिमल डेंडर हो जाता है मतलब स्किन फ्लेक्स जो निकलते हैं, कॉकरोच, रोडेंट पेस्ट, हाउस डस्ट, कैट सलाइवा, सारी चीज़ें ही बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स में आती हैं। तो आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलता है? ताज ट्रेपेजियम जोन इज ए मेजर टेकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ताजमहल फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द ताज ट्रेपेजियम हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। देखो, ताज ट्रेपेजियम इस एक्ट के अंडर नहीं किया गया है। ताज ट्रेपेजियम जो जोन है वो किसके अकॉर्डिंग नोटिफाई किया गया है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग इसको मेनली नोटिफाई किया गया है, ठीक है। और क्या है? सेकेंड है, बिसाइड द ताजमहल द जोन ऑल्सो कॉम्प्राइजेज द मोनूमेंट्स आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सिकरी। ताजमहल के अलावा आगरा फोर्ट और ये भी हैं इसके अंदर, ठीक है, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी भी इसके अंदर आते हैं। तो यस, दोनों इस पहली स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, सेकेंड सही है। तो आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में बताना है। अगर आपने हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर देखा है तो फूड चेन के बारे में सब बता चुकी हूँ। उसमें ग्रेजिंग भी बताई थी, डेट्राइटस भी बताई थी। ग्रेजिंग बताई थी कि हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट दे रखी है, इन ऑल ग्रेजिंग फूड चेन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर, बिल्कुल। सेकंड है, हर्बीवोरस आर ऑलवेज प्लेस्ड एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल पे क्या होंगे? प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर, उसके बाद होंगे प्राइमरी मतलब हर्बीवोरस, ठीक है, उसके बाद होंगे हर्बीवोरस, उसके बाद क्या होंगे? कार्निवोरस, और उसके बाद होंगे टॉप कार्निवोरस। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या होंगे? हमेशा कार्निवोरस होंगे। थर्ड पे क्या होंगे? कार्निवोरस होंगे। तो इसने बोल रखा है कि हर्बीवोरस होंगे, ऐसा नहीं है। तो सेकंड रॉन्ग होगी ए, फर्स्ट ए का आंसर हो गया ए, ठीक है। मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, देखो मैरीन इकोसिस्टम में चलती है मेनली ग्रेजिंग फूड चेन। मेनली कहाँ पे चलती है ये? मैरीन इकोसिस्टम में चलती है ये ग्रेजिंग फूड चेन। और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन होती है मेनली कहाँ पे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मिली होती है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोलता है? कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट है, इट इज़ आधार ऑथेंटिफिकेशन के बारे में, ऑथेंटिकेशन के बारे में। इट इज़ वेरिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन आधार नंबर एंड डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि ये उसके ऊपर बेस है, आधार नंबर और डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सेकंड है, ओनली पब्लिक एजेंसी कैन यूज़ आधार डेटाबेस फॉर ऑथेंटिकेटिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल इसको केवल और केवल प्राइवेट पब्लिक एजेंसी यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट एजेंसी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था 2016 में, और एक गुड गवर्नेंस सोशल वेलफेयर इनोवेशन नॉलेज रूल्स भी आए हैं 2020 में भी, ये रूल्स आए हैं, ठीक है। जो इतना बड़ा बोला उसको लिख लेना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट एजेंसी है उनको बार कर दिया गया आधार डेटाबेस को ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया गया? बार कर दिया प्राइवेट्स को आधार को एज ए ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। थर्ड है, इट हैज़ रिसेंटली बीन अलाउड टू बी यूज एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और ये सिटीजनशिप के प्रूफ के लिए अलाउड है, ऐसा नहीं है मतलब आधार को आप सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मान सकते, ठीक है। तो दोनों गलत हैं और आंसर आ गया सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोलता है? फॉरेस्ट फायर आर अनकंट्रोलेबल फायर दैट बर्न सरफेस वेजिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर। हमें फॉरेस्ट फायर जो है अनकंट्रोलेबल फायर है, ठीक है, जो सरफेस वेजिटेशन को जला देती है, तो उसके क्या क्या इंपैक्ट हैं? फर्स्ट, इट रिप्लेनिशेस कार्बन सिंक। देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन सिंक होते हैं। तो क्या ये मतलब पेड़ पौधों को खत्म कर रही है? तो क्या उसको रिप्लेनिश कर रही है? नहीं, डिप्लीट कर रही है। कार्बन सिंक को ये क्या कर रही है? डिप्लीट कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया रॉन्ग। इसका मतलब सेकंड तो सही है, मतलब देयर इज लॉस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्सेज, ये तो सही है। थर्ड है, इट लीड्स टू
इट लीड्स टू ओजोन लेयर डिप्लीशन. बिल्कुल ये वहाँ पे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ लॉस हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, सोयल इरोड हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, और वाटर कैचमेंट एरिया डिग्रेड हो जाएगा, तो सारे ही हो जाएंगे. ठीक है, आंसर आ गया ए. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर दिस रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया. इंडिया में रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन जो होती है डिस्प्लेस्ड पर्सन की एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल डिजास्टर्स से, वो कौन कौन सा प्रोवाइड करता है? क्या यूएन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन? यस, ये भी प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोवाइड करता है, और ये भी प्रोवाइड करते हैं. तीनों ही रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, यूएन वाला जो है ये 1943 में क्रिएट किया गया था, ये आपको पता ही चल गया, और डैम्स वाला जो है ये 2000 में क्रिएट किया गया था, सेंट्रल वाटर डैम्स. ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आ गया डी. ठीक है, आंसर आ गया डी. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, सबसे पहले है इट वॉज एस्टेब्लिश टू प्रमोट सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. बिल्कुल, ये सर्वे एक्सप्लोरेशन और रिसर्च वाइल्ड लाइफ के फील्ड में करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था. सेकेंड है इट कंडक्ट्स टाइगर सर्वे एवरी 4 ईयर्स. मैंने आपको बताया अभी था कि टाइगर सर्वे को कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है टाइगर सेंसस, NTCA. ठीक है, NTCA वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से टेक्निकल बैकिंग के साथ. ठीक है, तो और ये है, तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, फर्स्ट सही है, तो आंसर हो गया ए. जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था ये बना कब था? ये बना था 1916 में. हेडक्वार्टर्स हैं इसके कहाँ पे? कोलकाता में. ठीक है, याद रखना है इसको, हेडक्वार्टर्स हैं इसके कोलकाता में. और अभी रिसेंटली इसके बारे में न्यूज़ आई थी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्पीसीज खोजी है कहाँ पे? मेघालय में, जिसको बोलते हैं डिस्क फुटेड बैट. डिस्क फुटेड बैट, ये ऐसा बैट है जो कहाँ पे रहता है? फर्स्ट बैम्बू ड्वेलिंग बैट, जो बैम्बू प्लांट पे रहता है. ठीक है, डिस्क फुटेड बैट अकेला बैट है जो, या फर्स्ट बैट है जो बैम्बू पे रहता है, बैम्बू ड्वेलिंग बैट. ठीक है, मेघालय में इसको खोजा गया. और कहाँ? मेघालय में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कहाँ पे? नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, यहाँ पे इसको खोजा गया है. और अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो इसका साइंटिफिक नेम है यू डिस्कोपस डेंटिक्यूलस, डेंटिक्यूलस. ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है. और इसने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दो न्यू मेराइन ईल स्पीसीज भी डिस्कवर किए हैं. दो मेराइन ईल स्पीसीज, ये तो हो गई पहली. ठीक है, डिस्क फुटेड बैट. और इसने दूसरी स्पीसीज, दो मेराइन ईल स्पीसीज भी खोजी हैं, मेराइन ईल स्पीसीज. ठीक है, एक है शॉर्ट ब्राउन अनपैटर्नड, शॉर्ट ब्राउन अनपैटर्नड मेराइन ईल. ठीक है, मोरे ईल जिसको बोलते हैं, जिसको जिम्नोथोरस अंडमानीज भी बोलते हैं. साउथ अंडमान कोस्ट पे ये खोजी गई है. ठीक है, साउथ अंडमान कोस्ट पे इसको खोजी गई है. और इसका नाम जो है जिम्नोथोरेक्स अंडमानीज भी है. और जो सेकंड मेराइन ईल है वो वाइट स्पॉटेड है, वाइट स्पॉटेड मेरे ईल है. और दोनों के स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न, दोनों ही लिस्ट कंसर्न में आती हैं. ठीक है, तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत न्यूज़ थी जो अभी रिसेंट में चल रही थी. ठीक है, अब आ जाता है 17, बायो रेमिडिएशन के बारे में बताना है. बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेमिडिएशन मतलब रेमेडी करना, किसी चीज़ की रेमेडी करना. ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन. इसमें क्या हो जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं? जो भी कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस होते हैं उसको ट्रीट करते हैं. तो वही हो जाता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीट करते हैं किसी को, उसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. क्या बोलता है? नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व से अलग कैसे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ. वाइल नेशनल पार्क इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ अ स्पीसीज, द बायोस्फीयर एम्स टू प्रोटेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम. बिल्कुल, नेशनल पार्क किसी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एंटायर इकोसिस्टम को. सेकेंड है, वाइल ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग आर परमिटेड इन नेशनल पार्क. देखो, नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं. नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है प्रोहिबिटेड होती हैं, मतलब, और बायोस्फीयर रिजर्व में ये थोड़ी बहुत चीज़ें अलाउड होती हैं. तो ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं. ठीक है, तो नेशनल पार्क में हर चीज़ प्रोहिबिटेड होती है, और बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं. तो दोनों ही अपोजिट दे रखे हैं, तो ये हो गया रॉन्ग, तो आंसर क्या आ गया? ए. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन, इसका एक्सेप्शन कहाँ था? डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में था, क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर इसका. ठीक है, अब आ जाते हैं 19 पे. अपारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अपारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बताना है. इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. सबसे पहले ये कपड़ों का आपको लग रहा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर नहीं करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर काम करती है. किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर.
सेकेंड है इट्स चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अपारल इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट. इसका जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. इसमें इसका जो चेयरमैन है वो मेनली जो काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है वही इसको वो करती है. इसके जो चेयरमैन को मेनली काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वही सेलेक्ट करती है. ठीक है, तो कोई प्राइम मिनिस्टर इसको नहीं अपॉइंट करते हैं ना ये करते हैं. ठीक है, तो और किसके अंडर रजिस्टर्ड है ये? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ये रजिस्टर्ड है. और क्या है, ये 1978 में बनी है. और क्या है कि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं? गुरुग्राम में है. इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? गुरुग्राम हरियाणा में है. और एक और चीज़ याद रखना, गुड़गांव में एक और चीज़ के हेडक्वार्टर है किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के. तो आंसर आ जाता है डी. ठीक है, आंसर आ जाता है डी. और अभी आपने टेक्सटाइल के बारे में तो सुना ही होगा कि इंडिया का पहला लोगो और ब्रांड कॉटन का रिलीज हुआ है, जिसको बोलते हैं कस्तूरी कॉटन. इंडिया का पहला कॉटन का ब्रांड और लोगो रिलीज हुआ है. ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया होगा. उसके बाद एक और इंडिया की वो चल रही है, अभी 2020 में एक और स्कीम चली है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2020 में चलाया ये. ठीक है, मेनली 1480 करोड़ रुपए का आउटले दिया गया है टेक्निकल टेक्सटाइल को डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज करने के लिए और उसमें ग्लोबल लीडर बनने के लिए. ठीक है, मेनली क्या करना है हमें, ये 4 ईयर्स के लिए चलिए, मेनली हमें 4 ईयर्स में $40 बिलियन से $50 बिलियन तक अपने उसको ले जाना है. मतलब 2024 तक हमें इतना वो ले जाना है इसका ट्रेड. ठीक है, और मेनली इसके चार कंपोनेंट्स हैं, 4 साल के लिए है, 4 कंपोनेंट है. पहला कंपोनेंट है, सबसे पहले हमें रिसर्च एंड इनोवेशन करनी है. दूसरा कंपोनेंट है हमें मार्केट डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कि हमें एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करना है. और फोर्थ कंपोनेंट है हमें अपनी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको स्किल्स देनी है. ठीक है, ये है मेनली. और अगर मैं टेक्निकल टेक्सटाइल की आपको मतलब वो बताऊँ नाम, जैसे कि हो गया एग्रोटेक, क्लोथ टेक, जियो टेक, मोबी टेक, होम्योटेक, ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल के एग्जांपल हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. अर्थ समिट के बारे में बताना है. अर्थ समिट के बारे में अगर आपने करंट अफेयर्स आप मेरे डेली फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं पूरा डिस्कस कराऊंगी क्योंकि पूरे एक्सप्लेनेशन से मैं करवा चुकी हूँ. फर्स्ट है, इट इज़ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन 1992 इन रियो जेनेरो. बिल्कुल रियो में हुई थी ये, ब्राज़ील में. और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, बिल्कुल सही है. सेकंड है, एजेंडा 21 इन नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान वाज आउटकम ऑफ दिस समिट. बिल्कुल ये इसका आउटकम था. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया सी. अभी अगर मैं बताऊं, देखो अगर आप इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का जो लेक्चर नंबर 4 देखोगे ना, लेक्चर नंबर 4, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने ये बताया हुआ है. ठीक है, एजेंडा 21 के बारे में. और मैं आपको क्या बताऊं कि देखो, रियो अर्थ समिट से 3 चीज़ें निकली हैं. एक तो है रियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेरेशन, एक एजेंडा 21 जो कि नॉन बाइंडिंग है, और एक है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. ये 3 चीज़ें निकली हैं इससे. और 3 कन्वेंशंस निकले हैं इससे. 3 कन्वेंशंस कौन से? UNFCCC, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और यूएन फॉर बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. ये 3 कन्वेंशन निकले हैं और ये 3 इसके मेन डिक्लेरेशन है. ठीक है, 3 बॉडीज निकले हैं. तो आंसर आ गया सी. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. ट्रैफिक किस किस की ऑर्गेनाइजेशन है? ट्रैफिक एक एनजीओ है, किस किस को है? तो जो ट्रैफिक है वो WWF और IUCN को मतलब दो मिल के निकाला है. तो UNEP का इसमें कोई रोल नहीं है. UNEP कहाँ से निकला? UNEP निकला स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है 1972 में जो हुई थी उससे. ठीक है, और कन्वेंशन नहीं बोल रही हूँ मैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुई थी उससे निकला है UNEP. तो सेकंड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गए. तो आंसर आ गया सी. ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? कब बना था ये? 1976 में बना था. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके? UK कैम्ब्रिज में है. ठीक है, इंडिया मेंबर कब बना? इंडिया मेंबर है इसका. और कब बना? 1991 में इंडिया इसका मेंबर बना. और साइट्स के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में काम करता है ये. ठीक है, इसके 2 मेन वो हैं, डोंट बाय ट्रबल इसी का है, और वांटेड अलाइव सीरीज़ में 4 बिग कैट्स को बचाने की बात चल रही है. एक तो टाइगर है, एक लेपर्ड है, एक स्नो लेपर्ड है, और एक क्लाउडेड लेपर्ड है. ठीक है, 3 लेपर्ड है, एक टाइगर है. और मेनली इसने हेल्प किया है सावन को बनाने में, SAWEN, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क. साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, ठीक है, सावन को बनाने में हेल्प किया है. ये मेनली 2011 में भूटान में बनी थी इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग में, और मेनली वाइल्ड लाइफ
को ही बचाने के लिए ये ट्रीटमेंट, ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनी है साउथ एशिया में। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कौन से जो हैं बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ होते हैं? तो राइजोबियम, नोस्टॉक, एलोजोला और साइनोबैक्टीरिया चारों ही एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। टू अवॉइड स्ट्रेस एंड अनफेवरेबल कंडीशंस सम प्लांट्स एंड एनिमल्स सस्पेंड देयर ग्रोथ एक्टिविटीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ द सेम? स्ट्रेस और अनफेवरेबल कंडीशंस को बचने के लिए कौन क्या क्या करता है? फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स ऑन फंजाई एंड बैक्टीरिया, बिल्कुल। सेकंड है डिले इन सीड जर्मिनेशन इन सम प्लांट्स, बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं? डोरमेंसी भी बोलते हैं, मतलब वहीं पे अपनी स्टेजेस को रोक देना, इवोल्यूशनरी स्टेजेस को। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताना है। ठीक है, इट इज अ पॉइनर लेबोरेटरी इन फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिल्कुल। इट फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर पड़ती है? नहीं, ये किसके अंडर पड़ती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अंडर पड़ती है। किसके अंडर पड़ती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर पड़ती है। अगर आपने ये कर दिया तो आपने सारे कार्ड दोगे, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, और थर्ड है इट इज़ प्रेसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यस। इसके हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ये। और मतलब इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक के, जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद हेड पीएम करते हैं, साइंस टेक के अंडर है। कब बनी है ये? ये बनी है 1958 में बनी है, और मेनली नागपुर में एस्टेब्लिश की गई थी ये। ठीक है, मेनली क्या है इसका मेन फोकस है? वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीज जो भी होती है ना उनसे रिलेटेड रिसर्च करना। ठीक है, और अभी रिसेंटली इसने, याद रखना, सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी इसी ने डेवलप की है। ठीक है, सेलाइन गार्गल आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी। आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। वेरी स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड प्राइमरली इन पोलर रीजन्स बिकॉज दे लूज लेस हीट ओनिंग टू स्मॉलर सरफेस एरिया। तो एक चीज़ याद रखना, जो भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना उनका जो लार्ज सरफेस एरिया होता है, उनका जो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, वो बड़ा होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। उससे क्या होता है, लूज हीट वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी मतलब हीट को लूज़ कर देते हैं अपनी बॉडी से जब बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। इससे क्या हो जाता है, उनको दोबारा हीट बनाने में क्या हो जाती है, एक्सपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है दोबारा उनको वो हीट बनाने में, इसलिए स्मॉल एनिमल्स बहुत कम पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में, स्मॉल एनिमल्स वहाँ पे नहीं पाए जाते। सेकंड है मैमल्स आर एबल टू सर्वाइव बोथ इन पोलर एंड डेजर्ट इकोसिस्टम बिकॉज दे मेंटेन स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट सही है, मेनली वो क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS, एक्सप्लोरर क्लास प्लैनेट फाइंडर है, ये किसका है? ठीक है, ये मेन है किसका? नासा का है। मेनली स्मॉल प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, सोलर नेबरहुड में, ताकि मतलब प्लैनेट्स का डिटेल्ड करेक्टराइजेशन किया जा सके, उनका एटमोसफेयर कैसा है सब पता किया जा सके, तो वही है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। वाटर स्टोरेज है और रीजन है, कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है? सबसे पहले खत्री कहाँ पे बोला जाता है? वेस्टर्न हिमालयाज में बोला जाता है। जोहड़ क्या लद्दाख में बोला जाता है? नहीं, जोहड़ सेंट्रल हाईलैंड्स पे बोला जाता है। जोहड़ कहाँ बोला जाता है? सेंट्रल हाईलैंड्स पे बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड हो गया रॉन्ग, फर्स्ट है सही, तो आंसर आ गया सी। मतलब केरे कहाँ पे बोला जाता है? दक्कन प्लेट्यू में भी बोला जाता है उसको। और जिंग कहाँ पे बोला जाता है? जिंग बोला जाता है मेनली लद्दाख में। और ब्रह्मपुत्रा जो वैली है वहाँ पे बोला जाता है, मान ली ब्रह्मपुत्रा जो वैली है वहाँ पे बोला जाता है डोंग। ठीक है, और अपतानी बोला जाता है ईस्टर्न हिमालयाज में बोला जाता है अपतानी। ठीक है, उसके बाद कुंड नदी, टांकाज, ये सारे जो बोले जाते हैं थार, ठीक है, ये बोले जाते हैं। उसके बाद दक्कन में इसको कैरे बोला जाता है, ये तो आपने देख ही लिया, बस यही हैं सारे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द अफ्रीकन यूनियन, बिल्कुल। इट द सेक्रेटरीट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिल्कुल, ये कहाँ पे? अकरा, घाना में है। तो
तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। लार्जेस्ट है वर्ल्ड में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के जब से WTO बनाया उसके कॉन्टेक्स्ट में। सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की ये बात कर रहा है, ठीक है। अभी तक 27 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया है। और अगर हम बोले कि अफ्रीका का, इंडिया जो है अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया क्या है, इंडिया जो है वो अफ्रीका का क्या है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और इंडिया के लगभग जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो स्टैग्नेंट है, लेकिन अफ्रीका के जो एक्सपोर्ट है वो अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले इट प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, बिल्कुल एनिमल बर्ड्स प्लांट्स सबको बचाता है ये। सेकंड है इट हैज़ सिक्स शेड्यूल्स विच प्रोवाइड फॉर वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। सिक्स शेड्यूल में जो फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं वो वहाँ पे हायर प्रोटेक्शन होती है, थर्ड एंड फोर्थ होते हैं वहाँ पे मतलब फर्स्ट में हायर पेनल्टी भी होती है अगर वायलेट करोगे, यहाँ पे थोड़ी कम पेनल्टी होती है। फिफ्थ में क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वर्मिन स्पीसीज होते हैं जिसको आप हंट कर सकते हो, और सिक्स शेड्यूल में होता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, मेले आपको मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, सी। अब आप बोलोगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अथॉरिटीज़ क्या क्या होती हैं, तो देखो एक होते हैं मतलब सेंट्रल लेवल पे होता है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, सेंट्रल लेवल पे होता है डायरेक्टर, और स्टेट चूज़ करती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मतलब जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेलेक्ट करती है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी होता है वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। वो चीफ होता है और वाइल्ड लाइफ वार्डन मेनली हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करती है। ये होते हैं इसमें मेन अथॉरिटीज़। इसके अंडर देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कई सारी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें याद रख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो कई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कई सारी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये बना हुआ है मेन। इसको हेड कौन करता है, पीएम हेड करता है। एक स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बेसिक अंडर बनता है, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसको हेड कौन करता है, सीएम हेड करता है। इसका वाइस चेयरमैन कौन है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका वाइस चेयरमैन कौन होगा, वही स्टेट का जो मिनिस्टर होगा ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके क्या होते हैं, मेनली एडवाइजरी फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है, मेनली क्या होते हैं, एडवाइजरी फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ किसके अंडर बना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। दूसरा आता है सेंट्रल जू अथॉरिटी, दूसरा आता है सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी की मैं बात करूँ तो मेनली इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। मेनली जूज को रिकॉग्निशन यही देता है, ठीक है। मेनली इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, और 10 मेंबर्स में चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी भी आ जाते हैं, चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बॉडी होती है इसी के अंडर, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनती है। 2005 में ये बनी थी। इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, वो भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं इसके चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन जो है वो स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है। उसके बाद कोई भी टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो NTCA के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा तीन ऑर्गेनाइजेशन होगी, चौथी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो 2007 में बनी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। मेनली नोडल एजेंसी है ये साइट्स के लिए, इंडिया में नोडल एजेंसी है साइट्स के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को बचाने के लिए। क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। तो जितनी सारी बॉडीज़ हैं सारी ही क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, क्योंकि ये सारी ही इस एक्ट के अंडर बनी है। तो कौन कौन सी बॉडी है, ये होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंडर बना नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 30, फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बताना है। फर्स्ट है रॉक्स आर द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस, रॉक्स जो होती है नेचुरल रिजर्वायर होती हैं फॉस्फोरस की। सेकंड है फॉस्फोरस जो है मेनली रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सचेंज होता है, ये नहीं, बिल्कुल रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सचेंज नहीं होता है, मेन इसके साइकिल में आता है। सबसे पहले होती है वेदरिंग रॉक्स की, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा, उसके दोबारा से वो डिकम्पोजिशन हो जाता है उनका और वो दोबारा से सोइल में आ जाते हैं और फिर से वो रॉक बनती है और वेदरिंग ऐसे होती है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस साइकिल में आते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन स्कीम के बारे में बताना है, किसने चलाई है ये, ठीक है।
क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये चलाई है? बिल्कुल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है इंडिया। यस, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल सही है। और कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर हैं इसके? देखो, और हैं इसके पाकिस्तान, US, UAE, रशिया, ब्राज़ील, ये सारे इसके हैं फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। और इसमें इसका मेन एम है 1 बिलियन जॉब क्रिएट करना 2030 तक, ये भी सही है, मतलब ये करना, ठीक है, 1 बिलियन पीपल को स्किल करना, एजुकेशन, जॉब्स, ये सब प्रोवाइड करना, इसका मेन एम है, ठीक है। और इसमें इस प्रोसेस में मेन जो इनका पार्टनर होगा वो हो गया लिंक्डइन, ठीक है, ये इसका मेन पार्टनर होगा, डेटा पार्टनर। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक और रिपोर्ट रिलीज करती है, जॉब्स ऑफ टुमारो और मैपिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन न्यू इकोनॉमी, ठीक है। ये मेनली रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब फाउंड किया गया था? 1971 में। कहाँ पे? जनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। मेनली एनुअल मीटिंग होस्ट करता है, ये होस्ट करता है एनुअल मीटिंग। और याद रखना, इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर था, इंडिया क्या था, इसका भी फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। तो इसका भी फाउंडिंग मेंबर है, और रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन स्कीम, उसका भी फाउंडिंग मेंबर है। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बताना है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज़ वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम दैट एम्स टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करता है। इट इन्वाइसेज इज क्रिएटिंग ए यूनिक हेल्थ आईडी फॉर एवरी इंडियन, बिल्कुल करंट अफेयर्स में, बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ इसको। थर्ड है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी, बिल्कुल। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। व्हीकुलर एयर पोल्यूशन के बारे में बताना है कि हमें क्या पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। लीडेड पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए? नहीं। किसको यूज़ करना चाहिए? अनलीडेड पेट्रोल को यूज़ करना चाहिए। सेकेंड है, रिड्यूस सल्फर, या सल्फर के कंटेंट को कम करना है। थर्ड है, डिस्करेज कैटालिटिक कन्वर्टर, नहीं, इंक्रेज करना है कैटालिटिक कन्वर्टर्स को, इंक्रेज करना है। और फोर्थ है, मेथेलोन ब्लेंडेड पेट्रोल, बिल्कुल ये प्रमोट करना है। तो 2 और 4 आ गया इसका आंसर, ठीक है, मेनली आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। नेशनल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या सबसे पहले ये 2015 में बनी है? नहीं, अभी 2020 में ये आई है, ठीक है, 2020 में आई है। और किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, ये मेनली एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में रिलेशन सेटअप करती है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन लाने के लिए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। और मेनली ये 3 टायर्स हैं इसके, 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है। पहले है नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, एनटेक, नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। उसके बाद आता है वर्किंग ग्रुप ऑफ एनटेक। और थर्ड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, टीडेक, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, ठीक है। तो ये 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कौन से रूल्स जो हैं ये किस रूल्स के अंडर आते हैं? एनिमल्स को परफॉर्म करना, ट्रांसपोर्ट करना, ब्रीडिंग करना, ये किस में आते हैं? तो ये सारे किस में आते हैं? प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में। अब आ जाता है ये इंट्रैक्शन और एक्टिविटी। देखो, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। एमेंसलिज्म में क्या होता है? एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है और एक को कुछ नहीं होता, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें बोला दोनों ही अनअफेक्टेड होती है, ऐसा नहीं होता है, एक अफेक्ट होती है नेगेटिवली। थर्ड है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में क्या होता था? दोनों ही नेगेटिव होती हैं। तो बोथ दिस स्पीसीज आर डिसएडवांटेज, बिल्कुल। म्यूचुअलिज्म में बोथ दिस स्पीसीज आर बेनिफिटेड, बिल्कुल। तो फर्स्ट एंड 3 सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। अब क्या है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक होता है कॉमनसलिज्म, एक होता है कॉमनसलिज्म, उसमें एक को फायदा होता है और एक को कोई, मतलब अनअफेक्टेड रहता है। दो और होते हैं उसमें, होते हैं एक होता है प्रीडेटर, प्रीडेशन, और एक होता है पैरासिटिज्म। दोनों में क्या होता है, एक को तो फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। दोनों में क्या होता है, एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, ठीक है, याद रखना इन सारे को। तो हो गए हमारे 5 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यूरी हेलाइन का मतलब होता है जो वाइड रेंज ऑफ, हेलाइन मतलब सेलाइन, मान लो सेलिनिटी में रहती हैं, तो वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको बोलते हैं यूरी हेलाइन। एक होता है स्टीनो हेलाइन, क्या हो जाते हैं? स्टीनो हेलाइन मतलब जो लो, मतलब कम सेलिनिटी एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं स्टीनो हेलाइन, ठीक है। तो इसका हो गया फर्स्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल रीजंस ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डिटोरेशन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और डिटोरेशन के कौन कौन से रीजंस हैं, किस किस के कारण हैबिटेट डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है और डिटोरेट भी हो सकता है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, बिल्कुल उसके लिए हम फॉरेस्ट को काटेंगे, सब करेंगे। सेकंड, लाइफ स्टॉक प्रेशर, बिल्कुल उसके लिए भी हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। थर्ड है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स, यस उसके कारण भी हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होते हैं। तो आंसर आ गया ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। पार्टिकुलेट्स के बारे में बताना है। पार्टिकुलेट्स लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और मेनली एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं। बिल्कुल, द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ पार्टिकुलेट। क्यों भाई ऐसा नहीं होता है? क्यों हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का साइज, पार्टिकुलेट मैटर 10 का साइज क्यों हम उनको वो करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, क्यों उनको रिड्यूस करने की बात चल रही है? तो इसीलिए ना, क्योंकि उनका जो साइज है वो मैटर करता है। तो ये जो इन साइज से इंडिपेंडेंट होते हैं ये गलत है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। डेजर्टिफिकेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सा डेजर्टिफिकेशन करेगा? अनसाइंटिफिक इरीगेशन मेथड, बिल्कुल करेंगे। ओवरग्रेजिंग, बिल्कुल। क्रॉप रोटेशन, देखो क्रॉप रोटेशन हम सोयल को कंजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो सोयल है वो उसकी फर्टिलिटी और मेनली उसका इरोजन ना हो, तो ये नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैन्योर से नहीं होगा इरोजन। तो क्या हो गया आंसर? ए एंड बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या बोलता है? टिलेज ऑफ सोयल के बारे में बताना है। टिलेज मतलब सोयल का प्रिपरेशन मैकेनिकल एजिटेशन से, जैसे कि डिगिंग, स्टीरिंग, ओवरटर्निंग। तो इससे क्या होगा? वेड्स रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और सोयल का एरिएशन इंप्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए करते हैं सोयल टिलेज। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। ये जो प्रोसेस है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है उसमें, और इनर्ट कंडीशन होती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट एक में ही होता है, वो होता है पायरोलिसिस। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन वहाँ पे होता है और मेनली ये प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होती है, बायो ऑयल्स को सिनगैस बनाने में मेनली। ठीक है, तो ये होगी मेनली क्या? पायरोलिसिस। ठीक है, फर्मेंटेशन में क्या हो जाता है? बैक्टीरिया ईस्ट जो होते हैं वो सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, बायोमिथेनेशन में क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिकली, मतलब माइक्रोबायोस जो होते हैं वो उसको एनरोबिक कंडीशन के अंदर बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। इनसिनरेशन मेनली वेस्ट को ट्रीट किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, लेकिन फर्नेंस में कोई ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट नहीं होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इकोलॉजिकल सर्विसेज के बारे में बताना है कि कौन सी इकोसिस्टम हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सोयल फॉर्मेशन, बिल्कुल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट रेगुलेशन, सारी ही इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, नेशनल ग्रीन कॉर्प्स क्या है? सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, नहीं, ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये ग्रीन कॉर्प्स बनाई गई हैं। और मेन इनका काम है मतलब अवेयरनेस फैलाना, चिल्ड्रंस को नॉलेज देना, मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना, ताकि इमीडिएट एनवायरनमेंट के बारे में, इंटरेक्शंस के बारे में उनको घुमाया जाएगा। तो कोई स्पेशल फोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ गया बी। ठीक है, दो नहीं, सेकंड भी रॉन्ग है। तो आंसर आ गया डी। ठीक है, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। रीज़न बताने हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे क्या क्या रीज़न है। ओवर एक्सप्लोइटेशन, यस हो सकता है रीज़न। को एक्सटेंशन, एक खत्म हो रहा है उसके साथ दूसरा हो जाता है, बिल्कुल। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, बिल्कुल, अगर फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट हो रहा है तब भी हो सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर आ गया ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। सोर्सेज ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन कौन कौन से? कॉस्मिक रेडिएशन, बिल्कुल। यूवी, बिल्कुल। न्यूक्लियर वेपन, बिल्कुल। ये सारे ही रेडिएशन पोल्यूशन यहाँ से हो सकता है। तो आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, इनमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है ही नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सबसे पहले ये फॉरेन पॉलिसी 2015-16 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। मेनली ये क्या प्रोवाइड करता है? इंसेंटिव प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज क्रेडिट स्क्रिप। ड्यूटी क्रेडिट, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की फॉर्म में इंसेंटिव प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को अगर उनकी पेमेंट लॉस हो जाए तो। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या बोलता है? हमें बताना है इंटरनेशनल सोयल अलायंस का मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो जितने भी सारे यूएन के मेंबर बन सकते हैं, बिल्कुल। सोलर रिच कंट्री भी बन सकते हैं, बिल्कुल। तो दोनों ही बन सकते हैं। तो आंसर आ गया सी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? गुरुग्राम में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में एक के और हेडक्वार्टर्स से बताओ किसके थे? अपैरल इंडस्ट्री जो थी, अपैरल का समथिंग था वो, उसके हेडक्वार्टर्स वहीं पे थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सोलर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सॉरी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बताना है। रिन्यूइंग द मैटर्स रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑन डिस्पोजेबल साइट, बिल्कुल ये भी बताता है। टू कैंसिल द ऑथराइजेशन और सस्पेंड इट इफ ऑक्यूपायर ऑफ डिस्पोजल साइट इज नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ डिस्पोजल लाइज। इशू प्रोहिबिशन ऑर्डर टू द कंसर्न पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग एनी पॉइजनस और पोल्यूटिंग मैटर। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर आ गया डी। और जो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ, दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोल रही हूँ, किसके अंडर बनते हैं ये? मेनली बनते हैं ये
वाटर एक्ट के अंदर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंदर, वाटर एक्ट के अंदर, ठीक है, वाटर एक्ट के अंदर बनते हैं ये मेनली, ठीक है। और मेनली इनके पास रिस्पॉन्सिबिली एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट की भी होती है, ठीक है। और एक था नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है मेनली ये भी, इसको कौन करता है, CPCB इसको मेनली कंट्रोल करता है। और चार पोल्यूटेंट इसमें मॉनिटर किए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो SO2, एक NO2, एक PM2.5 और एक PM10, ठीक है। ये चार पोल्यूटेंट है मेनली जो CPCB करता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, CPCB के दिल्ली में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। एक फुल्ली इंटैक्ट आइस शेल्फ अभी एल्समेयर आइलैंड से टूट गई है तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो किस कंट्री की बात चल रही है, तो ये चल रही है किसकी, कनाडा की बात चल रही है, कनाडा में है ये एल्समेयर आइलैंड, ठीक है। एक बार अपने मैप खोलना और ढूंढ के देखना कि एल्समेयर आइलैंड कनाडा में किधर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हम इसके टोटल 400 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाली सीरीज नहीं देखी है तो पहले उसको देखना फिर इसको देखना, ठीक है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी और इसके आगे आपकी मर्जी है। तो चलिए इसी लेक्चर को आज ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।